अहमदाबाद कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आपराधिक मानहानि मामले में पेश होने के लिए और समय दिया है। दरअसल मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SJ पंचाल की अदालत ने आप नेताओं की छूट की अर्जी खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की। बता दें केजरीवाल और संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर उनकी व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। दरअसल अपने वकील के माध्यम से दोनों नेताओं ने अदालत को आश्वासन दिया कि वो सुनवाई की अगली तारीख के दौरान उपस्थित रहेंगे, बशर्त ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो जो उनके नियंत्रण से परे हो। उनके वकील ने अदालत को बताया कि अगर उन्हें ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो उन्हें उपस्थित होने से रोकती है, तो ऐसे निर्णय हैं जो वकील को अनुरोध दर्ज कराने की अनुमति देते हैं। प्रतिवादियों ने विभिन्न आधारों पर छूट की मांग की और कहा कि उन्होंने सत्र अदालत में समन को चुनौती दी है और मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होने की संभावना है। जीओ ने छूट के आवेदनों का कड़ा विरोध किया और इसे कार्यवाही में देरी करने की रणनीति बताया। उसने अदालत से उनके खिलाफ वारंट जारी करने की अपील की। बता दें अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह के छूट आवेदनों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए दोनों के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की मांग के अनुसार वारंट जारी करने से भी मना कर दिया। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के बीच दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण वो अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं। संजय सिंह ने इस आधार पर छूट मांगी थी कि उन्हें मणिपुर में जातीय हिंसा का मुद्दा उठाने के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है और वो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और अपना निलंबन रद्द कराने की कोशिश में व्यस्त हैं।